हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया हूँ। एंड वंस यू लर्न एंड फॉरगेट टू फॉरगेट फॉर एवर, बहुत ही अच्छे स्टाइल में आपको ये बताएंगे। आप वीडियो देखते रहिए और अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो नाउ वी शुड स्टार्ट। द फर्स्ट इज ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन जानते हैं, बोन मीन्स हड्डी होती है। विवाद का कारण, सपोज दैट हियर आर टू डॉग्स, वन इज ए एंड द अदर इज बी, एंड बोथ वांट्स द बोन। What will happen? They will fight. They will have a dispute between them. So very simple. In Hindi, a bone of contention का मतलब cause of dispute, विवाद का कारण। In a very simple sentence, you can use it as Kashmir is a bone of contention between India and पाकिस्तान। नाउ सेकेंड, एट सिक्सेज एंड सेवंस। एट सिक्सेज एंड सेवंस इट मीन्स इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित। आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि व्हेन न्यूटन इंटर्ड द रूम ही फाउंड His books at sixes and sevens. Now, next, at daggers drawn का मतलब तनी तलवार, यानी खुली शत्रुता, open enmity. We can use it in a sentence. India and Pakistan are at daggers drawn on Kashmir issue. Very simple. Now next, at a stone's throw. At a stone's throw. At a stone's throw means very near, बहुत नजदीक, यानी उतनी ही दूर जितना एक पत्थर फेंका जा सके। तो इन ए सेंटेंस यू कैन यूज इट राम्स हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। वेरी सिंपल। एंड द नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ ए फीदर, जिसकी मीनिंग है persons of like disposition, यानी एक ही प्रकृति अथवा स्वभाव के व्यक्ति। इट मीन्स एक ही स्वभाव के व्यक्ति, बर्ड्स ऑफ ए फीदर। तो ब्रिटिश एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, बर्ड्स ऑफ वन फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक रंग की या एक तरह के पंख वाली पक्षियां एक झुंड बनाती हैं। वेरी सिंपल। इसका मतलब एक स्वभाव वाले व्यक्ति अपना समूह बनाते हैं। तो बर्ड्स ऑफ वन फीदर फ्लॉक टुगेदर। नाउ नेक्स्ट, ए न्यू फीदर टू वंस कैप। ए न्यू फीदर टू वंस कैप, यानी किसी के कैप में एक नया फीदर, पंख जुड़ जाना, जिसका मतलब होता है ए न्यू एंड एडिशनल अचीवमेंट, कोई नया और अतिरिक्त उपाधि। एज तेंदुलकर इज कॉल्ड The God of Cricket. He was
awarded the highest civilian award, the Bharat Ratna, and this award proved to be a new feather to his cap. Now next, in black and white means in written, likhit me, to be stood, give our application to higher authorities in black and white. हायर अथॉरिटी को हमें आवेदन पत्र लिखित में देना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड. कॉर्ड मीन्स जोड़ना, बांधना. डिस्कॉर्ड माने तोड़ना, अलग करना. इन वेरी सिंपल इट मीन्स an apple of discord means a subject of envy and strife, यानी ईर्ष्या और संघर्ष का विषय. इसको आप बहुत सिंपल सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि दिस पीस ऑफ लैंड इज द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन माई फादर एंड माई अंकल. यह भूमि का छोटा सा टुकड़ा मेरे पिता और चाचा के बीच में विवाद का कारण है. नाउ नेक्स्ट, द इन्स एंड आउट्स. इन्स एंड आउट्स मीन्स द फुल डिटेल और कंप्लीट नॉलेज कंप्लीटली. बी इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में जायज. बी नो इन्स एंड आउट्स ऑफ योर केस, यानी मुझे आपके केस के विषय में पूर्ण जानकारी है. नेक्स्ट, ये स्क्वायर पेग इन योर राउंड होल, इसके वर्डली मीनिंग पर आते हैं. एक वर्गाकार खूंटी गोल क्षेत्र में, वर्गाकार खूंटी गोल क्षेत्र में क्या आसानी से जा सकती है? नहीं, आसानी से एडजस्ट नहीं हो सकती. ये इसकी वर्डली मीनिंग है. सेंस क्या है? ए पर्सन हु डज नॉट फिट इन, यानी जो व्यक्ति फिट ना बैठे. एज ए वेरी सिंपल सेंटेंस में इसका हम यूज कर सकते हैं कि इन ए डिबेट एन इलिटरेट पर्सन एमंग द हाईली लर्नड मैन इज लाइक ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल. नेक्स्ट, कॉस्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन. हियर कॉस्ट मीन्स डालना या फेंकना, पर्ल्स मीन्स मोती, बिफोर माने सामने, स्वाइन मीन्स सुअर होता है, यानी सुअर के सामने मोती डालना. इट मीन्स ए राइट थिंग इन ए रॉन्ग हैंड, ए राइट थिंग इन ए रॉन्ग हैंड. सिंपल सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं कि टू मैरी ए हाईली एजुकेटेड गर्ल टू एन अनएजुकेटेड पर्सन इज जस्ट लाइक टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन. नाउ द लॉस्ट, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून. बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ, रजत चम्मच के साथ मुख में लेकर पैदा होना. इट मीन्स टू टेक बर्थ इन ए वेरी रिच फैमिली.
वेरी सिंपल सेंटेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं कि आवर लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ एंड द लॉस्ट फाइंडिंग ए नीडल इन ए हे स्टॉक सी हियर। पहले इसकी वर्डली मीनिंग देखते हैं। फाइंडिंग माने खोजना पाना, ए नीडल माने एक सुई, इन ए हे स्टॉक, हे मतलब फुहाल, इन्स ड्राइड स्ट्रॉ का स्टॉक, ड्राइड स्ट्रॉ के स्टॉक में सुई खोजना यानी बहुत कठिन कार्य होना। इट मीन्स ए डिफिकल्ट टास्क, यानी हे स्टॉक में सुई खोजना, सुई बहुत छोटी सी चीज होती है और हे स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है, उसमें सुई खोजना। इट मीन्स इसका सेंस है वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट मीन्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसको सिंपल सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं कि ट्राइंग टू गेट ए जॉब दीज डेज इज फाइंडिंग ए नीडल इन ए हे स्टॉक। आज के समय में रोजगार पाना हे स्टॉक में नीडल खोजने के समान है। तो इस प्रकार से आपको 13 idioms एंड phrases बताए गए हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC, CGL, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको लर्न कर लेंगे तो यू विल फॉरगेट टू फॉरगेट फॉर एवर। थैंक यू फॉर विजिटिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, जिससे जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।